हेलो फ्रेंड्स, मिनी किचन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ तंदूरी नान। बहुत ही इजी तरीके से हम इसे तवे में बनाएंगे और इसका स्वाद एकदम रेस्टोरेंट जैसी आने वाली है। तो तंदूरी नान बनाने के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख ले। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। एक बाउल में मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच चीनी, नमक स्वाद के अनुसार और 1/2 कप दही डालेंगे। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे गुनगुना पानी से हम इसका डो तैयार करेंगे। पानी हम जरूरत के अनुसार थोड़ी थोड़ी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसमें दही भी ऐड किया है। हमारा सॉफ्ट डो बनकर तैयार है। इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालकर इसे एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसकी लोई तैयार करनी है। मैं मीडियम साइज की लोई बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से लोई बना सकते हैं। 2 कप मैदे से मेरे 9 बॉल्स बनकर तैयार हुए हैं। एक प्लेट में चारों तरफ सूखी मैदा छिड़क देंगे। अब एक बॉल लेकर इसे हल्के हाथों से घुमाते हुए इसका लोई तैयार कर लेंगे। लोई को प्लेट में रख देंगे। अब हम दूसरी बॉल लेकर इसकी भी लोई इसी तरह से बना लेंगे। इसी तरह सारी लोई बनाकर तैयार कर लिया है हमने। आप भी एक साथ सारी लोई बनाकर तैयार कर लें। गीले कपड़े या रुमाल से इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए ढक कर रखेंगे। 1.5 घंटे हो चुके हैं, अब हम कपड़ा हटाकर इसे चेक कर लेंगे। लोई बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुकी है। एक लोई लेकर हल्के हाथों से एक बार इसे दबाएंगे और इसे बेलना शुरू करेंगे। ज़रूरत हो तो इसके ऊपर सूखी मैदा भी छिड़क कर आप इसे बेल सकते हैं। इसे ज़्यादा मोटी या ज़्यादा पतली हम नहीं बनाएंगे। रोटी बिल चुकी है। अब इसकी एक साइड से हम पानी से ग्रीस कर देंगे। ब्रश की सहायता से या हाथ से भी आप लगा सकते हैं। पानी लगाने के बाद तुरंत ही हम रोटी को सेकेंगे। हल्के हाथों से उठाते हुए पानी वाली साइड को हम तवे पर डालेंगे, ताकि रोटी अच्छे से तवे में चिपक जाए। फ्लेम हम हाई रखेंगे। रोटी में बबल्स आने लगेगी, तब हम तवे को फ्लेम के ऊपर पलट देंगे। तवे को घुमाते हुए हम रोटी को सेक लेंगे। बीच बीच में हम इसे चेक कर लेंगे अच्छे से पकी या नहीं। रोटी अच्छे से सिक चुकी है, अब हम इसे तवे से निकाल लेंगे। देखिए, दोनों साइड से हमारी रोटी अच्छी तरह से पक चुकी है। इसे प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरी लोई लेकर उसी प्रोसेस में हम इसे भी बेलेंगे। बिलने के बाद इसमें हम पानी से ग्रीस कर देंगे। सावधानी से उठाते हुए हम इसे तवे पर डाल देंगे। बबल्स आने लगेंगे, तब हम तवे को पलट देंगे और रोटी को अच्छी तरह से सेक लेंगे। फ्रेंड्स, तंदूरी नान बनाने के लिए लोहे की ही तवा का इस्तेमाल करें। इसी प्रोसेस से सारे नान मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। थोड़ी सी इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो देखा आपने, घर पर तंदूरी नान बनाना कितना आसान है और इसका स्वाद एकदम रेस्टोरेंट वाली है। मैं इसे चिकन करी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे वेज या नॉन वेज के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आप भी बनाइए और पूरे परिवार के साथ खाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की यम्मी रेसिपी के साथ।